इतने सारे जो हरी मिर्ची देख रहे हो ना, इसका कोई रेसिपी नहीं बनेगा, बल्कि रेसिपी में ये यूज करेंगे। हाँ प्याज गजब हरकत करके स्कूल से आई है। हे गाइस, जय श्री कृष्णा। सुबह का मेरा जितना भी सारा काम होता है वो सब कुछ खत्म करके ब्रेकफास्ट करके अभी मैं सीधा अपने किचन पे आ गई। जितने भी सारे सब्जी है इसी से मैं आज का जो रेसिपी है मैं बनाने वाली हूँ। तो आज मैं फिश करी बनाने वाली हूँ। मैंने रोहू फिश लिया है तो उसी का मैं आज करी बनाने वाली हूँ, जो हमारे पसंदीदा रेसिपी में से एक है। इस तरह से खाना हम लोग पसंद करते हैं ज़्यादातर तक रोहू फिश को। तो मैंने लिया है गोभी, टमाटर और आलू। गोभी टमाटर आलू से मैं फिश करी जो है मैं वो बनाऊंगी। और ये जो बीन्स लिया है इसका मैं इरोम्बा बनाऊंगी, इरोम्बा इरोल्बा जो भी हम लोग बोलते हैं। और इतने सारे जो हरी मिर्ची देख रहे हो ना, इसका कोई रेसिपी नहीं बनेगा, बल्कि रेसिपी में ये यूज़ करेंगे हरी मिर्ची को। और फिश का जो क्या बोलते हैं, गुर्दा, हम लोग तो तेल बोलते हैं फिश का, जो तेल होता है, तो उसी का मैं एक सब्जी बनाऊंगी। बैंगन से मैं अलग सा एक सब्जी बनाऊंगी। तो बैंगन मैंने ले ही लिया है यहाँ पे, बैंगन मैं लूंगी बाद में। तो चलो रेडी कर लेते हैं ये सब। सारा सब्जी काटना हो गया है, ये मैंने काट लिया है फिश करी के लिए। फिश करी का भी हो गया है। मछली के गुर्दे से मैं जो अलग सा सब्जी बनाऊंगी वो उसे हम तेल बोलते हैं, तेल बाजा बोलते हैं। तो तेल बाजा के लिए ये मैंने बैंगन बैंगन लिया है। तो बैंगन मैंने काट के रखा है अलग से, तो उसी में मैं ये गार्लिक भी यूज़ करूँगी। और ये मैंने इरोम्बा के लिए काटा है। तो सब्जी काटना तो हो गया, अभी इसको जल्दी से वॉश कर लेते हैं। अभी मैं हरी मिर्ची को काट रही हूँ। तो फिश करी बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी, इससे टेस्ट अच्छा बनता है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली जीरा, इसको काली जीरा बोलते हैं हम लोग। 5 फ़ोरन, 2 तेज़पत्ता। नहीं, मैं गार्लिक, ऑनियन, जिंजर कुछ भी यूज़ नहीं करूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो मैं अभी सब्जी को डाल रही हूँ। और काटा हुआ हरी मिर्ची को मैं अभी डाल रही हूँ। लीड से इसको ढक देती हूँ।
फिश करी मैंने इस साइड पे चला दिया है, अभी मैं इरोम्बा बनाने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने बीन्स और हरी मिर्ची को डाल दिया है, अभी डालूंगी सॉल्ट। इरोम्बा का रेसिपी मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। दाल मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी इरोम्बा का जो मेन इंग्रेडिएंट है इदौर। अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, बस इसको अभी सीटी लगा देते हैं। आजकल मैं मसाला जो है ना वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, हल्दी के अलावा, चाहे मिर्ची पाउडर हो, चाहे जीरा पाउडर हो या गरम मसाला हो, मैं घर पे ही बनाना स्टार्ट की हूँ। क्योंकि मार्केट से जो हम लोग खरीद के खाते हैं ना वो एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं अभी घर पे बनाना स्टार्ट की हूँ। तो जीरे को मैंने 2 दिन पहले अच्छे से वॉश करके धूप में सूखने के लिए दिया था, तो ये अभी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तो इसका मैं अभी पाउडर बनाने वाली हूँ। ये अभी मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। तो जीरे को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हो आप लोग। सब्जी ऑलमोस्ट पक चुका है फिश करी का, अभी मैं इसमें मसाला ऐड करने वाली हूँ, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर। चिली पाउडर मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्ची का भी मैंने यूज़ किया है, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर। सारे मसाला के साथ मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी थोड़ा सा, सब्जी को और थोड़ा कुक होने देते हैं। और इस साइड पे मैं फिश को फ्राई करने के लिए रेडी कर रही हूँ। मैं 1 kg लाई थी लेकिन वो अभी वो सब फ्राई करने से लेट हो जाएगा, तो बाकी का पीस मैंने रख दिया है, अभी मैं जितना यूज़ करूँगी वही मैंने ले दिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस लिया है रोहू फिश, तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट। एक 2 आलू के पीसेस को मैं मैश कर दूंगी अभी, इससे कारी का टेस्ट अच्छा आता है। अभी मैं कारी में इसको ऐड कर दूंगी। अभी इसी बोल में पानी डालते हैं, मैं और थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी फिश करी में। तो चलो अभी इरोम्बा के सब्जी को मैश कर लेते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो इरोम्बा रेडी है और बहुत अच्छे से बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़े सा कोरिएंडर लास्ट में। फिश करी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे फिश, थोड़ा सा गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। और इसी पैन में ही मैं बनाऊंगी तेल भाजा। ऑयल ऑलरेडी पैन में है तो ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, तो अभी कुटे हुए गार्लिक को मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैं अभी इसमें डाल दूंगी बैंगन जो मैंने काट के रखा है, और साथ ही साथ हरी मिर्ची। तेल को मैंने पहले से फ्राई करके रखा है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अभी लीड से इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इसमें हम अभी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अभी दोनों में थोड़ा थोड़ा करके कोरिएंडर डाल देंगे। राइस बनने तक इसको अच्छे से ढक के रख देते हैं। हाँ, बाबा। आज पैंट में सुसु किया क्या? पैंट शर्ट सब भर के रखा है। सुसु किया है पैंट में? हाँ, ड्रेस चेंज करके भेजा स्कूल से। अका। नो, अका। What did you do then? Wow. What wow? पेन में सुसु किया था स्कूल में? हाँ, सुसु किया था। बाबाई बाय। ये आज गजब हरकत करके स्कूल से आई है, देखो
थोड़ा ड्रेस चेंज करके आए स्कूल में, आज पॉटी करके आए। बाबाई पॉटी किया था स्कूल में, आज पॉटी किया था बाबाई? यस और नो, पॉटी किया था ये सुसु किया था? थोड़ी ना बोलेगा अभी, ये जाते वक्त यही पहन के गया था और आते वक्त यही पहना दिया। ड्रेस हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिए थे पहले, तो उन्हीं में से एक पहना दिया। पॉटी बाबाई नो लेग्स, एक्चुअली ये मतलब उसका जो पॉटी आता है ना तो आका आका बोलता है, तो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना। ऊपर से उसका फर्स्ट टाइम है तो शायद बोलने में भी उसका थोड़ा कम। सुसु आने से तो बोलता है सुसु बोल के, आका आका बोलता है तो शायद उन लोगों को, पर यहाँ पे आका मींस बड़ी दीदी को बोला जाता है, तो गजब है भाई। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। या लंच ब्रेक नहीं मिला है क्या? तुम खाना निकालो ब्रेक मिल जाएगा। ऐसा जवाब दिया ना गाइस, आज भी नहीं निकाला, लंच ब्रेक नहीं मिला। ठीक है मैं निकाल रही हूँ ना।